देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, आज है नवरात्रि का तीसरा दिन और यह है माता चंद्रघंटा का दिन। इस दिन किन मंत्रों द्वारा देवी का आवाहन किया जाता है और हवन किया जाता है, इसके विषय में जानते हैं। आज के दिन सवेरे स्नान करने के पश्चात सफेद वस्त्र धारण करें और पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं और जिस मंत्र द्वारा माँ का आवाहन करना है वह मंत्र 108 की संख्या में जाप करें। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम देवी चंद्रघंटाय नमः, 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 ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। इसके पश्चात संध्या काल में हवन करना चाहिए। हवन 108 की संख्या में करना चाहिए और आहुति देनी चाहिए। हवन जिस मंत्र द्वारा करना चाहिए वह मंत्र इस प्रकार है, ओम देवी चंद्रघंटाय स्वाहा, 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 ओम देवी चंद्रघंटाय स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जाप करके हवन में आहुति दीजिए। जो भक्त हवन करने में असमर्थ हैं या किसी विशेष कारणवश हवन नहीं कर पा रहे हैं, वह भक्त भी दान देकर उसका पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। दान में सफेद रंग की वस्तु या सफेद रंग का अन्न दान देना चाहिए। दान ऐसे व्यक्ति को या ब्राह्मण को दें जिसको उसकी जरूरत हो। इससे माता भी प्रसन्न होंगी और भक्त की आत्मा भी तृप्त होगी। कल हम फिर मिलेंगे नवरात्रि के चतुर्थ दिन के विषय में बात करने के लिए और जानेंगे कि किस मंत्रों द्वारा माँ का आवाहन किया जाए और किन मंत्रों द्वारा हवन किया जाए। तब तक के लिए जय माता दी। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।